हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी में। जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस विषय में है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि किसी ट्रेन को छोटे छोटे स्टेशनों पर हॉल्ट दिया जाता है, जबकि बड़े बड़े स्टेशनों को स्किप करवा दिया जाता है, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न छुपा हुआ है। इसमें पहला है राजनीतिक दबाव। जिस जगह पर ट्रेन को रोकना है वहाँ के लोग अपने MLA या MP से आग्रह करते हैं, जिससे MP या MLA रेलवे बोर्ड में रिक्वेस्ट करते हैं। रेलवे बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद किसी ट्रेन का उस स्टेशन पर हॉल्ट दे दिया जाता है। अगला जो रीज़न है वो है वाणिज्यिक दबाव। रेलवे किसी रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन को हॉल्ट तब देता है जब उसको उस स्टेशन से फ़ायदा मिले। ठीक इसी तरह से वाणिज्यिक दबाव में किसी स्टेशन पर ट्रेन को इसलिए रोका जाएगा, या तो वहां से पैसेंजर का दबाव ज़्यादा हो या फिर वहां से माल ढुलाई ज़्यादा होती हो, जिससे रेलवे की कमाई आसानी से हो सके, जिसे कमर्शियल स्टॉपेज बोला जाता है। वहां से पैसेंजर अपनी टिकट बुक भी करवा सकता है। अगले रीज़न में आता है चेंजिंग या शेयरिंग। किसी स्टेशन पर लोकोमोटिव का चेंज होना या फिर क्रू स्टाफ का चेंज होना, लोको पायलट चेंज होना वगैरह, ये सब आते हैं। स्टेशन पर लोकोमोटिव चेंज होता हो वहाँ पर भी ट्रेन का हॉर्न देना ज़रूरी होता है। किसी स्टेशन पर लोकोमोटिव चेंज होना या रिवर्स होना, जिसमें कि करीब 20 से 25 मिनट का समय लगता है, वो जायज़ है। और दूसरा आता है जिस स्टेशन पर करीब 10 से 15 मिनट का हॉल्ट होता है वहाँ पर क्रू स्टाफ चेंज होता है, जिसकी वजह से भी हॉल्ट दिया जाता है। यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ट्रेनों को हॉल्ट दिया जाता है, और कुछ छोटे छोटे स्टेशन जिन पर ट्रेन का हॉल्ट देना कोई ज़रूरी नहीं है या फिर रेलवे का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, उस पर राजनीतिक दबाव के कारण हॉल्ट दिया जाता है। लेकिन अब जीरो बेस्ड टाइम टेबल के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जहां से रेलवे को फ़ायदा होगा हॉल्ट वहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।